देश में अपराधियों का खौफ मानो खत्म सा हो गया है। बदहाल कानून व्यवस्था का आलम यह है कि यहाँ बीजेपी विधायक को मारने की धमकी दे दी जाती है। मामला कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा का है। बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद पटेल को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दरअसल दोपहर सैनी कोतवाली के सिराथू कस्बे में रहने वाले विधायक शीतला प्रसाद पटेल के बेटे मनीष कुमार पटेल के फोन मोबाइल पर फोन आया। फोन पर विधायक के बेटे को अनजान शख्स ने गालियां भी दी। धमकी देने वाले ने कहा कि उसके दादा और फुफेरे भाई समेत पूरे परिवार को मार दिया जाएगा, उसके व्यापार को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। बीजेपी विधायक ने मामले की जानकारी एएसपी के अलावा गृह सचिव और मुख्यमंत्री तक को दे दी है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने फोन नंबर तो ट्रेस कर लिया है, जिसका पता चला है कि ये मोहसिन सईद नाम पर लिया गया है। मामले में सीओ सिराथू अंशुमन मित्रा का कहना है कि विधायक शीतला प्रसाद की तहरीर पर सैनी कोतवाली में मोबाइल नंबर दर्ज कर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। अभी मेरे बेटे मनीष के फोन पे एक फोन आया और उसने अपना फोन रिसीव किया तो तमाम तरीके की अभद्रता उसने फोन पे की और मेरे बेटे को और मेरे बड़े भाई चंद्रका प्रसाद पटेल के लिए, मेरी बहन यहाँ रहती है, वीडियो है, उनका बेटा यहाँ बिजनेस करता है ब्रजेश पटेल, उसके लिए सबको उसने तमाम तरीके की धमकियाँ दी, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी। फ़ोन आया मेरे पास, उल्टी सीधी बातें करने लगा तो मैं यहाँ से हट गया, दो मिनट के लिए बाहर चला गया। वो मैं उसको बार बार समझाता रहा कि भाई मेरे पास ना तो किसी से झगड़ा हुआ है ना कोई बात हुई है, आप कहीं गलत नंबर पे तो फ़ोन नहीं कर दिए, लेकिन वो मेरा नाम भी जानता है।